फ्रेंड्स, आज की इस दुनिया में अमीर इंसान कौन नहीं बनना चाहता। दुनिया में लगभग 2755 ऐसे अरबपति हैं जिनकी कुल नेटवर्थ 591 लाख करोड़ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने कड़ी मेहनत से आज ये मुकाम हासिल किया है। नंबर 10 पे है बजाज फैमिली। बजाज ग्रुप साल 1926 में मुंबई के जमनलाल बजाज द्वारा स्थापित किया गया था और अभी बजाज ग्रुप्स के अंडर में बजाज ऑटो, बजाज कस्टमर केयर, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज इलेक्ट्रिक और भी कई सारे कंपनीज इसके अंडर आते हैं और अभी इनकी नेटवर्थ 14.6 बिलियन डॉलर है। नंबर 9 पे है कुमार बिड़ला। कुमार बिड़ला 9वे सबसे अमीर भारतीय है और ये व्यक्ति आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन है। इनकी नेटवर्थ टोटल 15 बिलियन डॉलर है। इनकी कंपनी कोल, सीमेंट, केमिकल, माइनिंग, टेक्सटाइल और फाइनेंस सर्विस का बिजनेस करती है। नंबर 8 हिंडुजा ब्रदर्स। इस लिस्ट में 8वें स्थान पे काबिल है हिंडुजा ब्रदर्स। ये बिजनेस 4 भाई बहनों का है जिसमें गोपीचंद, श्रीचंद, प्रकाश और अशोक है। इस ग्रुप की स्थापना परमानंद द्वीपचंद हिंडुजा ने मुंबई में साल 1914 में किया था। इस ग्रुप में अशोक लेलैंड, हिंडुजा बैंक स्विट्जरलैंड, गल्फ ऑयल, इंडसइंड बैंक, पीडी हिंडुजा हॉस्पिटल्स और भी कई सारे बिजनेसेस मौजूद है और इनकी नेटवर्थ 2023 में 15.2 बिलियन डॉलर है। नंबर 7 दिलीप सांघवी। सन फार्मा के मालिक दिलीप सांघवी इस लिस्ट में 7वें पोजीशन पे है। इनके पास टोटल 15.5 बिलियन डॉलर है। सन फार्मा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यूएबल फार्मा कंपनी है। नंबर 6 सावित्री जिंदल। इस लिस्ट में ओपी जिंदल ग्रुप के चेयरमैन सावित्री जिंदल का नाम 6ठे नंबर पर है। इस कंपनी का नाम उनके दिव्यांग पति के नाम पर रखा गया है। ये ग्रुप JSW की पेरेंट कंपनी है और इनके पास टोटल 16.4 बिलियन डॉलर है। नंबर 5 शिव नादर। शिव नादर HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड और शिव नादर फाउंडेशन के फाउंडर है और ये भारत के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति है। इन्होंने 52 कंट्रीज में 158,000 लोगों को रोजगार दिया है और अभी शिव नादर की कुल संपत्ति 21.4 बिलियन डॉलर है। नंबर 4 पे है साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला भारत की 4थे सबसे अमीर व्यक्ति है। इनकी नेटवर्थ 21.5 बिलियन डॉलर है। इन्होंने COVID-19 के दौरान कोविड के टीकों के उत्पादन में काफी योगदान दिए थे जिस वजह से इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नंबर 3 राधा कृष्ण डमानी। राधा कृष्ण डमानी डीमार्ट के संस्थापक है। इन्होंने डीमार्ट की शुरुआत 15 मई 2002 को किया था और आज ये पूरे भारत में 284 जगहों पर है जिस वजह से इनका नेटवर्थ आज 27.6 बिलियन डॉलर है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है गौतम अडानी। अडानी ग्रुप्स के मालिक गौतम अडानी भारत के पहले सबसे अमीर व्यक्ति है जो दुनिया के 4थे सबसे अमीर व्यक्ति बने थे पर 24 जनवरी के बाद इनकी नेटवर्थ 150 बिलियन डॉलर से घटकर 61 बिलियन डॉलर हो गई। इनका मुख्य व्यापार पोर्ट्स, ग्रीन एनर्जी और एयरपोर्ट्स का है। नंबर 1 पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी ने साल 1966 में किया था। रिलायंस का मुख्य व्यापार पेट्रोलियम रिफाइनिंग, नेचुरल गैस और पेट्रोल केमिकल का है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल, रिटेल, म्यूजिक, टीवी, टेलीकम्युनिकेशन का भी व्यापार करती है और इनमें मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 82.2 बिलियन डॉलर है। तो फ्रेंड्स, आज की ये लिस्ट में आपने जाना भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आई होगी और अगर आपको गौतम अडानी के बायोग्राफी का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्द एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।